और अगर आप चाहो तो यहाँ से भी इसको कुछ एडजस्ट कर सकते हो, जो कि इसका वॉल्यूम जैसे ही काम करेगा। स्वागत है आपको आपका अपना चैनल आरसी इन्वेंशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक आयर सेंसर का इस्तेमाल करेंगे और एक ट्रांजिस्टर लेंगे और एक स्पीकर लेंगे और तीनों को मिलाकर के एक ऐसे सर्किट बनाएंगे जिसके अंदर से हमें एक बहुत ही बढ़िया एक म्यूजिक जनरेट होकर हमें मिलने वाला है और वो जो म्यूजिक है उसको आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इस सर्किट को बनाना चाहते हो तो इस वीडियो से आगे तक आपको बने रहना है, नहीं तो आपको बहुत सा डाउट रह जाएगा और बहुत जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है बनाने में, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए प्रोजेक्ट को बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दो डायोड मिलता है, एक होता है आईआर एलईडी, एक होता है आपका फोटो डायोड, ठीक है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है जिसके मदद से हम यहाँ से म्यूजिक को जनरेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जो फोटो डायोड लगा हुआ है जो कि यहाँ पर रिसीवर की तरह काम करता है और रिसीव करने के बाद सिग्नल को भेजता है आईसी पर, सबसे पहले हमें जो फोटो डायोड है इसको हमें यहाँ से हटा लेना है। पर आप देख सकते हो ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि ये जो टर्मिनल है ये आपका जो कि आईसी पर जो कि सिग्नल इनपुट जाता है, ठीक है, ये वही टर्मिनल है, ठीक है। तीन टर्मिनल मिलता है, एक होता है वीसीसी का, एक ग्राउंड का और एक आउटपुट का। तो यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर हमें पावर सप्लाई देना है दोनों टर्मिनल पर। दोस्तों यहाँ पर मैं एक 8 ओम का स्पीकर ले रहा हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ वीसीसी पर। जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे हमें कनेक्ट करना होगा इस मॉड्यूल के भी आउट पर, यानी कि जो कि आपका डाटा आउट है वहाँ पर। यहाँ पर हम डायरेक्टली आईआर सेंसर से म्यूजिक को जनरेट नहीं कर सकते, यहाँ पर हमें एक अलग सा कंपोनेंट को इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ एक UM66 का एक म्यूजिक जनरेट आइस यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। दो होता है इसका इनपुट का, एक होता है इसका आउटपुट का। तो ये जो टर्मिनल है ये इसका नेगेटिव इनपुट के लिए, ये इसका पावर सप्लाई जो कि पॉजिटिव इनपुट के लिए, और यहाँ से हमें जो कि आउटपुट मिलेगा यहाँ। तो ये रहा इसका डाटा आउटपुट को डाटा इनपुट पर और ग्राउंड को ग्राउंड पर। दोस्तों हमारे जो आईसी है UM66 का, तो इससे भी हमें पावर सप्लाई देना है। तो इसका जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है तो मैं एक वायर को कनेक्शन करके अपना जो कि मॉड्यूल है जो कि आईआर सेंसर का जो कि मॉड्यूल है यहाँ पर मैं इसको कनेक्शन कर देता हूँ। आईआर सेंसर का जो कि वीसीसी टर्मिनल है इसको लेकर के मैंने कनेक्शन कर दिया है इस आईसी का पॉजिटिव टर्मिनल पर। तो यहाँ पर हमें यूज करना होगा 5 वोल्ट, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको 5 वोल्ट पावर सप्लाई दे रहा हूँ। तो बीच पर मैं दे रहा हूँ इसको ग्राउंड और दूसरा जो कनेक्शन है जो कि इसका पॉजिटिव है उसको मैं इसका जो वीसीसी है ये भी लगा हुआ है इस आईसी पर जो कि ट्रांजिस्टर जैसे दिख रहा है जो आईसी है, तो इसके पॉजिटिव मैं यहाँ पर दे देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो साउंड ये निकल कर आ चुका है, बहुत ही अच्छा साउंड यहाँ पर निकल रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमने छोटा स्पीकर यूज किया है तो इसलिए इसका जो साउंड है बहुत ही कम आ रहा है। और अगर आप चाहो तो यहाँ से भी इसको कुछ एडजस्ट कर सकते हो, जो कि इसका वॉल्यूम जैसे ही काम करेगा। था आपने कैसे हमने सिर्फ एक आयर सेंसर का इस्तेमाल करके एक म्यूजिक को हमने जनरेट कर लिया है जो कि बहुत ही सिंपल से सर्किट था जिसे आप घर पर बहुत ही इजीली बना सकते हो। अगर आप इस पार्ट्स या फिर सेंसर और कंपोनेंट अगर आप खरीदना चाहते हो तो इन सब के लिए एक बेस्ट वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर खरीद सकते हो, जहां पर आपको सारे कंपोनेंट सारे पार्ट्स आपको बहुत ही कम दाम में मिल सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलते हैं अपने वीडियो में कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ।